हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज फॉर क्लास इलेवंथ ओके टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर फर्स्ट चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लिविंग वर्ल्ड इज द ल ल लिविंग थिंग्स ओके सो वट डू अंडस्टैंड बाय द लिविंग थिंग्स इट इज अ कॉमन एंड सिंपल क्वेश्चन वट यू अंडरस्टैंड बाय द लिविंग थिंग्स एंड वी नो दैट लिविंग थिंग्स आर दैट विच आर अलाइव लिविंग थिंग्स क्या होते हैं आपके आर डट ऑर्गेनिजम विच आर अलाइव या फिर दैट

complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reaction in order to bring about the life activities okay which perform certain chemical reactions in order to bring about the life activities okay now next thing is that according to the biology the living things are the organisms and organisms are mainly divided into the two category in the case of the biology okay the first is the plants and second is the animals एक्सेप्ट दीज द माइक्रो ऑर्गेजम्स आर ऑलसो देर हमें पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेजम्स होते हैं आपके लेकिन बेसिकली हम क्या करते हैं आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में पढ़ते हैं द फर्स्ट कैटेगरी इज द प्लांट्स एंड द सेकंड कटेगरी इज द एनमल ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवी द लिविंग एंड नॉन लिविंग हम कैसे आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सो द लिविंग थिंग्स आर करेक्टराइज्ड बाई द सम फीचर्स लिविंग थिंग्स आर करेक्टराइड बाई द सम फीचर्स और वी कैन से दट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर देयर एंड दीज करैक्टरस्टिक्स आर सच एज द प्रोटोप्लाज डेफिनेट शेप एंड साइज रिप्रोडक्शन, ग्रोथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन रेस्पायरेसन मेटाबॉलिज्म न्यूट्रिशन सेलुलर स्ट्रक्चर अडेप्टेशन ऑर्गेनाइजेशन होम्योस्थैसिस कॉन्शियसनेस एंड देथ ओके तो दीज आर दीज आर द सम और वी कैन से दैट द मेनली दें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर दीज ये आपके मेन करैक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके इसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग हम इसके बेसिस पे आपका लिविंग और नॉन लिविंग को क्या कर सकते हैं आपका डिफरेंशियट कर सकते हैं एंड आउट ऑफ दिस कररेक्टरिस्टिक्स जितने भी आपके कररेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं इनमें से हमने बहुत सारे क्या हैं आपके नाइन्थ और टेंथ में पढ़े हैं ओके जैसे क्या पढ़ा है आपने वट इज द रिपोडक्शन दिस इज द टॉपिक ऑफ द टेंथ क्लास आपदा an क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्शन ग्रोथ मूवमेंट लोकोमोशन रेस्पायरेशन ओके न्यूट्रिशन एंड फ्रॉम द नाइन्थ क्लास ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर स्ट्रक्चर एंड प्रोटोप्लाज्म सो दीज आर द करेक्टर सॉरी दीज आर द कैरेक्टरस्टिक्स विच वी हैड लर्न अबाउट इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ ओके नाउ सम मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर देयर दैट इज द मेटाबॉलिज्म इज द इंपोर्टेंट एडेप्टेशन इज द इंपोर्टेंट एंड होम्योस्टेसिस इज द इम्पोर्टेंट कॉन्शियसनेस इज द इंपॉर्टेंट सो दीज आर द सम न्यू टर्म्स फॉर यू ओके नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ देम अब हम हर एक को क्या करेंगे वन बाय वन क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट इज द प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म आपका एज वी नो दैट द प्रोटोप्लाज्म इज़ द द कॉम्बिनेशन ऑफ़ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड वी

क्या होती हैं आपकी इनके लिए क्या होता है आपका दे आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द सेम फिजिकल लॉज सच इज द ग्रेविटेशन मैग्नेटिज्म रेडिएशन एक्सन एंड रिएक्शन एक्सेट्रा तो क्या होता है आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है आपका बहुत सारे क्या होते हैं आपके बेसिक चीजें सेम होती हैं बेसिक कहने का मतलब है आपका कि अगर हम उनके सेल की बात करें तो वो बेसिकली आपका सेम आपके न्यूट्रियट्स आपका सेम केमिकल से मिलकर के बने होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेकिन और अगर हम बात करें आपके फिजिकल लॉज की तो फिजिकल लॉज में आपका आपके सेमली अपला होते हैं किसके ऊपर आपका लिविंग के ऊपर भी और आपके नॉन लिविंग के ऊपर ऊपर भी, भी अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो डेट पॉइंट इज द प्रोटोप्लाज्म वो पॉइंट क्या है आपका प्रोटोप्लाज्म है सो प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द साइट फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यही आपका साइट होता है जहां आपका डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी रन होती हैं बाकी की जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं एस्पायरेशन हो गया आपका ठीक है और क्या हो गया आपका फोटोसिंथेसिस हो गया आगे आप पढ़ेंगे वो सारी की सारी किस्में रन होती हैं आपकी प्रोटोप्लाज्म में रन होती हैं देआर फॉर द प्रोटोप्लाज्म इसीलिए आपका जो प्रोटोप्लाज्म है इट इज़ नोन एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है आपका फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोला जाता है एंड हु कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ही वाज अ साइंटिस्ट क्या था उनका नाम आपका हक्सले इन 1863 हक्सले नाम के आपके साइंटिस्ट थे एक्स एच यू एक्स एल ई वाई हक्सले इन्होंने आपका 1863 सिक्सटी थ्री में कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है आपका फिजिकल बेसिस होता है आपका लाइफ का नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दैट इज द डेफिनेट शेप एंड साइज एज वी नो दैट द लिविंग थिंग्स ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज एक्सेप्ट सम प्लांट्स प्लांट्स को छोड़ करके क्योंकि प्लांट्स के केस में क्या होता है आपका जो ग्रोथ होता है वो आपका क्या होता है आपका बढ़ता रहता है आपका कंटिन्यूस रहता है जिसकी वजह से उनका शेप क्या होता है? रहता है आपका चेंज होता रहता है तो ये आपका करैक्टरिस्टिक्स है आपका लिविंग थिंग्स का कि वो क्या होते हैं आपके मॉर्फस होते हैं मॉर्फस मीन्स दे हैव द डेफिनेट शेप एंड साइज एंड द नॉन लिविंग थिंग्स आर एमॉर्फस वो क्या होते हैं आपके एमॉर्फस होते हैं इट मींस दैट दे डू नॉट हैव देयर डेफिनिट शेप एंड साइज ओके कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं आपका द लिविंग थिंग्स हैज़ डेफिनिट शेप एंड साइज बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल एक्टिविटीज बट द नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव द डेफिनट शेप एंड साइज इफ दे हैव डेफिनिट शेप एंड साइज देन इट इज़ ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेज अगर हम किसी चीज़ को आपका एक शेप देते हैं पत्थर को अगर हम मूर्ति का शेप देते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से उसमें आपका कोई शेप आता है नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन वट इज द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू न्यू वंस बाय द प्री एगजिटिंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पहले से आपके ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट हैं उनसे आपका नए ऑर्गेनिज्म का उन्हीं के जैसे नए ऑर्गेजम का फॉर्मेशन क्या कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है रिप्रोडक्शन ऑफ टू टाइप्स ए सेक्सुअल एंड सेक्चुअल आपने टेंथ क्लास में पढ़ाया आगे हम पढ़ेंगे इसे ना नेक्स्ट इज द ग्रोथ एंड द ग्रोथ इज द कैरेक्टिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेजिम्स और वी कैन से दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसमें आप एक और टर्म यूज कर सकते हैं आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रोथ वट इज द ग्रोथ ग्रोथ क्या होता है आपका द ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इ रिबर्जिबल चेंज इन दाइप साइज ऑफ सेल ऑर्गन और होल ऑर्गेनिजम क्या होता है आपका ग्रोथ क्या होता है आपका इट इज अट इज अ परमानेंट परमानेंट होता है ऐसा नहीं कि बाय ग्रोथ हो गई फिर कम हो जाएगी इट इज़ अ परमानेंट एंड इिबर्जिबल चेंज इन द साइप साइज ऑफ सेल एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म। ओके सो इट कैन बी अकम्पेड बाय द इंक्रीज इन द वेट हम इसको कैसे देख सकते हैं सपोज करो आपका कोई प्लांट है छोटा सा है कोई जैसे तरबूज है आपका ठीक है वाटर मेलन की अगर हम बात करें तो इनिशियली वो बहुत छोटा होता है कुछ दिनों के बाद ही उसका साइज़ क्या हो जाता है आपका डबल हो जाता है तो उसके साइज में चेंज हो आपका ठीक है उसके वेट में चेंज हुआ आपका और इसको हम कैसे नाप सकते हैं आपका ड्राई वेट में चेंज होना आपका अब दूसरा टर्म आता है आपका डेवलपमेंट व्हाट इज द डेवलपमेंट द डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ द चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गेनिज्म ओके किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन में या सेल में होने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उन सबका जो टोटल होता है उसको क्या बोला जाता है आपका डेवलपमेंट बोला जाता है जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम पर जाकर के आपकी रुक जाती है लेकिन डेवलपमेंट आपका क्या होता है आपका कंटिन्यूस प्रोसेस होता है वो आप कभी भी नहीं रुकता है नॉ नेक्स्ट इज द मूवमेंट एंड लोको मोशन लोको मोशन एंड मूवमेंट इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो आपका मूवमेंट और लोको मोशन क्या करते हैं आपका शो करते हैं इन द केस ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स क्या शो करते हैं आपका मेनली मूवमेंट्स वो करते हैं लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन भी शो करते हैं और आपका मूवमेंट भी शो करते हैं व्हाट इज द मूवमेंट मूवमेंट क्या होगा आपका पोजीशन में क्या होगा आपका चेंज होगा आपका किसी भी आपके बॉडी के पार्ट की पार्ट uh, की जो पोजीशन है उसमें क्या होगा आपका चेंजेस होंगे वट इन द केस ऑफ द लोकोमोशन कुछ डिस्टेंस भी क्या की जाती है आपकी कवर की जाती है तो हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे जो मूवमेंट्स होते हैं ऑल द मूवमेंट्स आर द लोको बट ऑल द लोको आर नॉट द मूवमेंट ओके दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स हालांकि आपका नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपका मूवमेंट uh, हो सकता है लेकिन वो कैसे होगा आपका एक्सटर्नल स के थ्रू होगा नाउ नेक्स्ट इज द इज इज द द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फूड ओके फूड के ब्रेकिंग की प्रोसेस को क्या बोला जाता है आपका रेस्पाइर बोला जाता है एंड द साइड ऑफ द रेस्पायरेशन इज द माइट्रोकॉन्डिया नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा है व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन द द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग ऑफ द फूड ओके फूड की फूड को टेक करना उसका डाइजेशन करना फिर उसको यूटिलाइज करना ठीक है क्या कहलाता है आपका न्यूट्रिशन कहलाता है या, ये भी आपका सिंपल टर्म है सेलुलर स्ट्रक्चर

कॉन्शियसनेस इज द बेसिक कैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स वी रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट ओके वी रिस्पॉन्स टू लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू द स्टिम्य विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट एन्वायरमेंट में कोई भी आपका फिजिकल केमिकल चेंजेस होता है उसके लिए हम क्या करते हैं आपका जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं आपका एक रिस्पॉन्स देते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉन्शियसनेस इट इज ऑल्सो द कैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स एंड इट इज डू टू द नर्वस सिस्टम किसकी वजह से होता है आपका नर्वस सिस्टम की प्रेजेंस की वजह से होता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है दैट इज द मेटाबॉलिज्म वट इज द मेटावालिज्म मेटावालिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द बायो केमिकल रिएक्शंस रनिंग इन साइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी सेल में या पूरी बॉडी में जितने भी आपके बायो केमिकल प्रोसेस रन होते हैं द टोटल ऑफ दैट बायो केमिकल प्रोसेस इज नोन एज द मेटावालिज्म एंड द मेटावॉलिज्म इज ऑफ द टू टाइप्स जो मेटामॉिज्म होता है आपका इट इज ऑफ द टू टाइप द फर्स्ट इज द एनावालिज्म एंड द सेकंड इज द कैटावॉलिज्म पहला क्या होता है आपका एनावॉलिज्म होता है और दूसरा क्या होता है आपका कैटावालिज्म होता है एनावालिज्म इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब स ऑर्गेनिक सबस्टेंस इसमें क्या होगा आपका नए सबस्टेंस का आपका फॉर्मेशन होगा बट इन द केस ऑफ द कैटावॉल द सबस्टेंस इज ब्रेक डाउन यानी कि एनाबॉलिज्म आपका बिल्डिंग अप की प्रोसेस है और कैटाबॉलिज्म क्या है आपका ब्रेकिंग की प्रोसेस है ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द होम्योस्टैसिस वट इज द होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक्स देयर इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट फॉर द वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसिस एज वी नो दैट आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि कोई भी जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपका एक डेफिनेट

अडेप्टेसन क्या होता है आपका आपको पता है कि वी आर टू अडेप्टर एनवायरमेंट हम अपने अनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुए हैं आपके अडेप्टड हैं तो अडेप्टशन को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आपका दीज आर द यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस ओके और चेंजेस यानी कि इनहेरिटेबल कहने का मतलब है कि दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन सो दीज आर द यूजफुल इनहेरिटेबल वेरिएशंस कॉज्ड बाय द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस म्यूटेशन और एनी अदर मेथड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है आपका जेनेटिक मेकअप का आपका दोबारा से यूनाइट हो जाना आपका गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन के टाइम पे एंड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड स्वीटेट टू इट्स वे ऑफ लाइफ यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाना आपका अडेप्ट हो जाना ओके दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द अडेप्टेशन तो अडेप्टशन आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं आपके लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं शॉर्ट टर्म कहने का मतलब है कि आ, आपको सपोज करो कि बहुत ही ठंडे एरिया में अगर आपको रख दिया जाए तो आप अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आपका अडेप्ट करने लग जाएंगे चाहे वो आप कपड़े पहन के करें या कुछ भी आग जला के करें तो ये आपका शॉर्ट टर्म होते हैं आपके यानी कि सीजन के टाइम पर होते हैं और जो लॉन्ग टर्म अडेप्टशन होते हैं वो आपका लाइफ टाइम रह क्या रहते हैं आपका परसिस्ट करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इज डैथ डैथ क्या होता है आपका देथ इज़ द अल्टमेट टर्मिनेशन ऑफ द फंशनल लाइफ यानी कि फंक्शनल लाइफ का जो अल्टीमेट टर्मिनेशन है उसी को क्या बोला जाता है आपका डैथ बोला जाता है एंड देट इज द परमानेंट फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबका जो परमानेंट फीचर होता है वो क्या होता है आपका डैथ होता है एंड इट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ द लाइफ ओके तो ये क्या हो गया आपका दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स तो इसके बेसिस पर हम लिविंग को क्या कर सकते हैं आपका नॉन लिविंग से क्या कर सकते हैं आपका डिफरेंशिएट प्रॉपरली कर सकते हैं ओके okay? तो क्या हो गया आपका That is the protoplasm, definite shape and size, reproduction, growth, movement and locomotion, respiration, metabolism, nutrition, cellular structure, adaptation, organization, homeostasis, consciousness, consciousness and death. Okay. So, so, these are the characteristics of the living things. Okay, student. So, this is the definition of the life. Uh, life is the unique complex organization of the ions and molecules which perform certain chemical reactions in order to bring about the life activities. Okay. Now, coming to the next point that is the metabolism all chemical reactions going on in living cell are collectively termed as the metabolism it is of the two types the first is the anabolism second is the catabolism biochemical reactions concerned with the building up or synthesis of complex substances like the photosynthesis and biochemical reactions concerned with the ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रीट मॉलिक्यूल इन टू द सिंपल सब्सटेंस एग्जाम्पल रेस्पायरेशन तो ये क्या होता है आपका बिल्डिंग अप की प्रोसेस होती है आपका ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है इस इस प्रोसेस में क्या होगा आपका जो एनावालिज्म होता है इसमें क्या होगा आपका जो कोई आपका सब्सटेंस क्या होगा टूट करके क्या होगा आपका छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा कैटाबॉलिज्म में सॉरी आपका सिंथेसिस होगा इसमें और इसमें क्या होगा आपका किसी भी चीज़ का क्या हो जाएगा आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इन द केस ऑफ द एनावालिज्म एनावालिज्म के केस में क्या होता है आपका द कानेटिक एनर्जी चेंजेज इन द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है बट इन द केस ऑफ द कैटावालिज पोटेंशियल एनर्जी चेंजेज इन टू द कानेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी तो अगर हम बात करते हैं किसके आपका एनाबॉलिज्म की तो एनाबॉलिज्म के केस में क्या होता है आपका इट इज़ कंसर्न विद द बायोसिंथेसिस यानी कि किसी चीज़ के फॉर्मेशन में एसिमुलेशन में उसके स्टोरेज में और ग्रोथ में आपका इन्वॉल्व होता है और जो कैटाबॉलिज्म होता है या आपका इसमें क्या होगा आपका इट इज कंसर्न विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस यानी कि हमारी बॉडी की अदर जो वाइटल एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए क्या होगा आपका इसमें जब आप का कोई फूड ब्रेक होगा तो उससे क्या होगा आपका एनर्जी का प्रोडक्शन होगा ओके सेकंड इज द होम्योस्टेसिस मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट तो ये आपकी दो डेफिनेशन हो गई जो मेन पॉइंट है आपके और सारे सिंपल है ओके okay? तो जो मेरी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इनके नोट्स बना सकते हैं ओके सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है कल को हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स